हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज 8.1 बेस्ड है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐड द फॉलोइंग, यहां पे इन एक्सप्रेशंस को आपने ऐड करना है। कॉमा के बाद यहां दूसरी एक्सप्रेशन है, तो 1, 2, 3, ये तीन एक्सप्रेशंस हैं। इन तीन एक्सप्रेशंस को हम तीन अलग अलग लाइन के अंदर लिखेंगे। पहली एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है ए बी माइनस बी सी, फिर है बी सी माइनस सी ए। अब ये जो बी सी है, ये बी सी के नीचे लिखना है। हमेशा इनको ऐड और सब्ट्रैक्शन के दौरान आपको लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना होता है। तो ये बी सी है, इसका कोई साइन नहीं है, तो यानी ये प्लस का है, तो हम यहाँ प्लस बी सी लिख सकते हैं। फिर है माइनस सी ए, तो माइनस सी को अलग लिखेंगे। तीसरी एक्सप्रेशन में सी ए माइनस ए बी है। अब सी ए को हम सी ए के नीचे लिखेंगे तीसरी लाइन में, तो ये प्लस का सी ए है और ये माइनस ए बी है। ए बी को हम ए बी के नीचे लिखेंगे, तो यहां ए बी के नीचे लिखेंगे माइनस ए बी। अब लाइन डाल के हमको इन्हें ऐड करना है। एडिशन में क्या होता है कि ये जो टर्म्स होती हैं, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं ना, वो सॉल्व होते हैं। ये प्लस का 1 ए बी है, ये माइनस का 1 ए बी है, तो प्लस में से माइनस 1 हो गया, यानी ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही प्लस बी सी में से माइनस बी सी कैंसिल हो गया, ये जीरो हो गया। प्लस सी ए माइनस सी ए, ये कैंसिल होकर ये जीरो आ गए, तो फाइनली इसका जो आंसर है वो जीरो आ गया। सेकेंड पार्ट देखिए, ए माइनस बी प्लस ए बी, सबसे पहले इसको लिखेंगे ए माइनस बी प्लस ए बी। फिर है अगली वाली एक्सप्रेशन को अगली लाइन में लिखेंगे, प्लस का बी माइनस का सी, तो बी को बी के नीचे लिखेंगे प्लस का बी, सी ऊपर तो है नहीं, तो इसको कहीं दूर लिखेंगे, इनसे अलग लिखेंगे माइनस सी। प्लस बी सी, बी सी भी ऊपर कहीं नहीं है, तो इसे भी अलग लिखेंगे प्लस बी सी। अब तीसरी एक्सप्रेशन देखिए, प्लस का सी माइनस का ए, तो सी है ऊपर, सी के नीचे सी लिखेंगे प्लस सी, ए ए बी है ऊपर, ए के नीचे ए लिखेंगे माइनस का ए, और ए सी, ए सी की कोई लाइन है नहीं ऊपर, तो इसको कहीं अलग लिखेंगे हटाकर प्लस ए सी। अब लाइन डालकर इनके कोफिशिएंट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। प्लस का ए माइनस का ए, ये कैंसिल हो गया, प्लस का बी माइनस का बी, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस का ए बी, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक ए बी आ गया। फिर प्लस सी माइनस सी, ये कैंसिल हो गया, प्लस बी सी, इसके नीचे कुछ भी नहीं है जुड़ने के लिए, तो ये प्लस सी, प्लस बी सी अकेला, और ये प्लस में ए सी, ये भी अकेला, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में पहली एक्सप्रेशन को पहली लाइन में लिखेंगे ऊपर, टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर है माइनस थ्री पी क्यू, फिर है प्लस फोर। दूसरी एक्सप्रेशन ये है, इसके अंदर पहली टर्म है प्लस फाइव, तो ये जो फाइव है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के नीचे लिखा जाएगा, यानी फोर के नीचे लिखा जाएगा प्लस फाइव। फिर है सेवन पी क्यू, पी क्यू की टर्म पी क्यू के नीचे लिखी जाएगी, तो ये यहाँ प्लस सेवन पी क्यू लिखा जाएगा। फिर है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की टर्म, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के नीचे लिखी जाएगी माइनस थ्री पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे टू और माइनस थ्री, इनका कोफिशिएंट सॉल्व करेंगे तो माइनस वन हो गया। माइनस वन हम लिखते नहीं है, सिर्फ माइनस लगाते हैं, और टर्म है ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की, तो इसके आगे हम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ प्लस सेवन माइनस थ्री, प्लस सेवन माइनस थ्री प्लस का फोर हो गया, और टर्म है ये पी क्यू की। यहाँ पे प्लस फाइव और प्लस फोर, ये प्लस का नाइन हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, यानी चार लाइन में लिखी जाएंगी एक्सप्रेशंस। पहली है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दूसरी है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर को तो हम लिखेंगे एम स्क्वायर के नीचे ही, और ये प्लस है तो यहां प्लस लगा लेंगे, एन स्क्वायर ऊपर में कहीं है नहीं, तो इसको हम अलग लिखेंगे प्लस एन स्क्वायर। अब तीसरी एक्सप्रेशन को तीसरी लाइन में, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एन स्क्वायर के नीचे एन स्क्वायर लिख लेंगे और एल स्क्वायर के नीचे एल स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पे एल स्क्वायर है ऊपर, तीन हो गई। अब चौथी एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ एल एम एम एन और एन एल, ये तीन टर्म्स लिखी हुई हैं, जबकि ऊपर में ऐसी कोई भी तीन टर्म नहीं है, तो चौथी लाइन में इनको बिल्कुल अलग लिखना पड़ेगा, तो प्लस टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल। अभी चार अलग अलग लाइन होगी, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। एल स्क्वायर दो बार हो गया, यानी ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस में दोनों, तो प्लस टू एम स्क्वायर हो गया।
एन स्क्वायर प्लस में है दोनों, तो 2n स्क्वायर हो गया, और इनको एज इट इज कॉपी करेंगे, ट्वाइस ऑफ एल एम प्लस ट्वाइस ऑफ एम एन प्लस ट्वाइस ऑफ एन एल। अब ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इसमें एक काम और कर सकते हो कि सभी के सभी टर्म्स के अंदर ना 2 लिखा हुआ है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें हम। 2 कॉमन ले लिया, यहां से बच गया एल स्क्वायर, यहां से बच गया एम स्क्वायर, यहां से बच गया एन स्क्वायर, प्लस यहां से एल एम, इसमें से एम एन और इसमें से एन एल, कॉमन लेकर आप फाइनल ये आंसर भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं जो कि सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन 2 में टोटल 3 पार्ट है ए बी सी। फर्स्ट पार्ट देखिए, सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो फ्रॉम का मतलब है कि इसमें से माइनस करना है, तो जिसमें से माइनस करना होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को हमने ऊपर लिखना है। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। और इस एक्सप्रेशन को हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसे हम नीचे लिखेंगे। अब लिखते वक्त ध्यान देना है कि एक ही टर्म एक के नीचे होनी चाहिए। ये 4a है तो ये यहां पे 4a लिखा जाएगा। फिर ab की टर्म है ab के नीचे माइनस 7ab। फिर 3b है ये b के नीचे प्लस 3b। ये नंबर कांस्टेंट है प्लस 12, तो ये नंबर के नीचे प्लस 12। अब सब्ट्रैक्ट में जो आपने ध्यान देना वो ध्यान से समझना। नीचे वाली जो एक्सप्रेशन होती है ना, इसके सारे के सारे जो टर्म्स होते हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी उल्टे हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर। जैसे ये प्लस का 4 है तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, ये माइनस का 7ab है इसका साइन हो जाएगा प्लस, ये माइनस है इसका साइन, सॉरी ये प्लस है इसका साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस है इसका साइन माइनस हो जाएगा। अब ये जो नीचे वाले साइन है ना, आपको ये कंसीडर करने हैं नीचे वाली एक्सप्रेशन के टर्म्स के। इन साइंस को आप अब भूल जाना, इनको ध्यान में रखकर सॉल्व करना, जैसे सेम टू सेम जैसे हमने ऐड किया था। ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 4a है, प्लस 12 माइनस 4 ये हो गया प्लस का 8, तो 8 हो गया, और टर्म ये a की है तो यानी 8a हो गया। माइनस का 9 और प्लस का 7, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट होकर 2 आएगा, और माइनस का नंबर बड़ा है यानी माइनस का 2 आएगा, और टर्म है ये ab की। फिर प्लस का 5 और माइनस का 3, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होकर 2 आएगा, प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का 2 आएगा, और टर्म है ये b की। माइनस का 3 और माइनस का 12, दोनों टर्म्स माइनस किए, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, माइनस 15 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। बी पार्ट देखिए, सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो इसको हमने ऊपर लिखना है। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और प्लस 10xyz। अब इसको हमने नीचे लिखना है। xy की टर्म xy के नीचे लिखी जाएगी 3xy, yz की yz के नीचे तो ये हो गया प्लस 5yz, zx zx के नीचे लिखा जाएगा माइनस 7zx। बस यही है और तो नहीं है। अब लाइन डालेंगे और नीचे वाली टर्म्स के साइन को हम उल्टा कर लेंगे। ये प्लस का है ये माइनस माना जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा, ये जैसा है एज इट इज कॉपी हो जाएगा नीचे। प्लस का 5 माइनस का 3 तो प्लस का 2 हो गया, तो 2xy हो गया। माइनस का 5 और माइनस का 2, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 हो गए, टर्म है ये वाई जेड की। माइनस का 2 प्लस का 7, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होकर 5 आ गया, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का 5 आ गया, और टर्म है ये जेड एक्स की। और ऊपर से इसको हम कॉपी कर दें क्योंकि इसमें से तो कुछ सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, तो ये प्लस 10xyz एज इट इज। ये इसका आंसर हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। सी पार्ट है, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो इसने हमको ऊपर लिखना है। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। देखिए सारी की सारी टर्म्स जो है ना अलग अलग हैं, पी क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर क्यू, इन्हें आप एक मत समझ लेना। यहाँ पे क्यू की पावर 2 है, यहाँ पी की पावर 2 है। अब ऊपर वाली जो टर्म्स हैं इनको हम बड़े ध्यान से लिखेंगे। यहाँ 4p स्क्वायर क्यू है, तो ये पी स्क्वायर क्यू जो है पी स्क्वायर क्यू के नीचे ही लिखी जाएगी,
यहां पे पी स्क्वायर क्यू है, तो यहां लिखा जाएगा ये प्लस फोर पी स्क्वायर क्यू। प्लस मैंने क्यों लगा दिया, क्योंकि यहां पे साइन आगे प्लस है। दूसरी है पी क्यू की टर्म, माइनस थ्री पी क्यू। पी क्यू देखिए कहां है, ये रहा, इसके नीचे लिखेंगे माइनस थ्री पी क्यू। फिर है पी क्यू स्क्वायर की टर्म, फाइव पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू स्क्वायर यहां पे है, तो यहां लिखेंगे प्लस फाइव पी क्यू स्क्वायर। फिर है पी की टर्म माइनस एट पी, यहां पे ये रहा पी, तो माइनस एट पी यहां लिखेंगे। फिर है क्यू की टर्म प्लस सेवन क्यू, ये क्यू है, इसके नीचे लिखेंगे प्लस सेवन क्यू। फिर है माइनस टेन, ये नंबर है कांस्टेंट बोलते हैं इसको, यहां पे ये 18 है, 18 के नीचे लिखा जाएगा माइनस टेन। बस आपको इन्हें लिखना ठीक से आना चाहिए, बाकी तो ऐसे ही है जैसे सेकंड थर्ड क्लास में आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। अब इन सभी के जो है ना साइन उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस है ये प्लस माना जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं, प्लस का 18 और ये प्लस का 10, तो प्लस का 28 हो गया, यहाँ होगा 28। माइनस का 3 और प्लस का 8, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके प्लस का 5 आ गया, प्लस 5। और जो टर्म है ये पी की है, तो यहाँ हम पी लिखेंगे। माइनस 11 माइनस 7, दोनों टर्म माइनस की है, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, माइनस 11 माइनस 7 माइनस 18 हो गया, और टर्म है ये क्यू की। प्लस का 5 प्लस का 3, प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 हो गया, टर्म है ये पी क्यू की। माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 हो गया, और टर्म है ये पी क्यू स्क्वायर की। और प्लस का 5 और माइनस का 4 1 हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम सिर्फ ये पीछे का पार्ट लिख देते हैं पी स्क्वायर क्यू। 1 जो कॉफिशेंट होता है वो कभी हम लिखते नहीं है, वो अपने आप अंडरस्टूड होता है। अब ये आपका आंसर आया है बुक में, आपके बुक में जो आंसर दे रखा है वो कुछ और तरीके से दे रखा है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ इनकी जो पावर है ना उनको डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे पी स्क्वायर क्यू पहले लिख दिया, फिर पी क्यू स्क्वायर लिख दिया, फिर पी क्यू लिख दिया, फिर यहाँ पे पी की टर्न, फिर क्यू की टर्न, फिर लास्ट में कॉन्स्टेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ भी छोड़ दोगे, ये भी आपका आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।